जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम बैंक निफ्टी की कंप्लीट एंसर्स वीडियो लेके आए हैं, जो कि कल के लिए होने वाली है। कल मींस दोस्तों फ्राइडे, फ्राइडे को हमारा जो अगला ट्रेडिंग सेशन है होने वाला है। क्या मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में, कहाँ तक किस साइड में विस्फोट हो सकता है, कंप्लीट जानकारी हम आप सभी को प्रोवाइड कराने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी को चीजें समझाएंगे, तो इसलिए वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ पे हम आप सभी को निफ्टी 50 के चार्ट पे लेके नहीं आए हैं। निफ्टी 50 की वीडियो भी नेक्स्ट आने वाली है, या फिर आ गई होगी तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे कहीं ना कहीं एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 की भी मिलेगी, बट यहाँ पे फिलहाल अभी हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे हैं, और निफ्टी बैंक के चार्ट के बारे में हम यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह लगा के, मतलब कुछ ड्राइंग्स वगैरह यहाँ पे हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं। और ये ड्राइंग्स हम आप सभी को दिखा चुके थे एक दिन पहले की एनालिसिस वीडियो में, कि निफ्टी 50 को 29 तारीख को क्या मूवमेंट आ सकता है, निफ्टी बैंक में, सॉरी माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक में क्या मूवमेंट आ सकता है। और आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मार्केट जो है हमारे जो रेजिस्टेंस था, पिछला रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करने के बाद में, यानी कि 39,680 के बाद में फिर ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखता है, इसलिए मैं एक पी साइड में टेलीग्राम पे आप सभी को अपडेट देता हूँ। अगर ये चल जाती तो यहीं से एक तगड़ी सेलिंग भी आने वाली थी, बट थोड़ा सा गलती हमारी भी थी, मैंने खुद के एनालिसिस वीडियो पे ध्यान नहीं दिया और पुट साइड में एंट्री करवाई, और यहाँ पे टेलीग्राम पे जो मैंने पुट दी थी उसका स्टॉप लॉस लग गया। देखिए यहाँ पे जो चीजें मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ वो एकदम क्लियर कट टू कट है। अगर मुझे प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बताता हूँ, मेरी कॉल या पुट जो सही होता है वो सही बताता हूँ, जो लॉस होता है लॉस बताता हूँ। केवल मैं एक तरफ नहीं चलता हूँ कि नहीं सिर्फ प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अपने अगर कुछ प्लस पॉइंट बताओ तो माइनस पॉइंट जो है वो भी बताओ। मेरा दायित्व है कि अगर आप हमारे गाइडेंस में चलते हैं तो बिल्कुल प्लस माइनस दोनों चीजें। लेकिन किस्मत की बात देखो, मार्केट जब अब गई, फिर मैंने यहाँ से कॉल साइड में, चूंकि कॉल साइड की एंट्री बन रही थी बनवाई, और वहां पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज मार्केट जो है डाउन में आ गई। खैर लास्ट के एंड में जो निफ्टी 50 की जीरो हीरो कॉल थी 10 रुपए पे बाइंग थी, वो आ गई थी 2 रुपए पे, चूंकि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आ गई थी, इस जगह पे मैंने जीरो हीरो कॉल दी थी बिकॉज एक्सपायरी थी, आप सभी को पता है। तो निफ्टी 50 में हमने देख 10 रुपए की कॉल आप सभी को प्रोवाइड कराई थी, और यहाँ तक वो 2 रुपए की आ गई थी, 2 रुपए की। काफी सारे लोग हताश हो गए थे, मैं स्वयं हताश हो गया था, लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि मतलब पूर्ण विश्वास करते हैं या फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनमें ज्यादा है, वो उस जीरो हीरो को मैंने बताया था लाइव मार्केट में भी, चूंकि लाइव आता हूँ, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 बजे के आसपास मैं इसी चैनल के माध्यम से लाइव भी आता हूँ। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करने के लिए सिंपल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर देना, जैसे ही मैं लाइव आऊंगा लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। खैर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, तो वो 10 रुपए की कॉल 2 रुपए में आने के बाद फिर वो बूम करी तो 50 रुपए तक गई, तो उसी में सारा का सारा लॉस भी रिकवर हो गया। और जो मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि मार्केट जो है, मार्केट का टारगेट होगा 39,600 यानी 700 से, मैंने बताया था आप सभी को कि अगर अपसाइड में सस्टेन रहती और यहाँ पे सस्टेन रही तो मार्केट का टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट मैंने शायद बताया था आप सभी को 850 का यानी 150 पॉइंट का, देन उसके बाद में फिर 40,000 का टारगेट बताया था, तो मतलब 300 पॉइंट 400 पॉइंट के मोमेंटम ऊपर की तरफ हुए हैं एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग। वो अलग की बात है, टेलीग्राम पे एक दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, पर जीरो जीरो बूम हुई थी जिनके प्रॉफिट होने थे हो गए, अदरवाइज बहुत सारे लोग लॉसेस भी किए हैं। खैर जो लोग बूम किए थे निफ्टी 50 की जीरो हीरो कॉल में, एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे उत्साहवर्धन किया, काफी सारे लोगों ने कहा कि सर मुझे लगता है ज्यादा लॉस हो गया है, बताइए फोन पे नंबर, फोन पे कर देता हूँ। मैंने कहा कि यार बस इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बनाए रहो, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मैं चाहता रहता हूँ। देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको लर्निंग प्रोवाइड कराना है, वो अलग की बात है, लेकिन आप सभी से एक फैमिली रिलेशनशिप हो गया, मतलब हम लोग एक दूसरे से बंद चुके हैं कुल मिला के, तो इसलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, इसलिए वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाती है। अगर आपको बोरिंग लगती है 1-2 मिनट स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। चलिए आखिर अब हम बात कर लेते हैं कि कल का क्या मोमेंटम हो सकता है निफ्टी बैंक में। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, जो मैंने बताया था 40,050 का, 40,050 का ये रेजिस्टेंस मीन्स ये टारगेट थर्ड टारगेट था, तो यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग करी है, एकदम बेयरिश कैंडल बनाई हुई है 5 मिनट की। फिलहाल इस चीज को हम 15 मिनट पे करते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं कि क्या
चीजें आप सभी को मिलने वाली हैं और क्या लेवल्स हो सकते हैं। लास्ट के आधे घंटे में जो बाइंग आई है, इससे तो लगता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप होगी, बशर्ते गैप अप अगर होती है 40,050 के बाद गैप अप होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऊपर की साइड में टारगेट दिखेगा आपको 40,200 का, जहाँ पे ये लेवल्स भी लगा है। और ये लेवल्स है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बैकेंड में मैंने देखा है कि यहाँ से सेलिंग आई है और अच्छी खासी सेलिंग आई, तो यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। अगर ऊपर जाती है, मार्केट गैप अप हो जाती है, यहाँ सस्टेन रहती है 40,050 के आसपास में, तो मार्केट जाएगी 40,200 के आसपास तक, ठीक है। लेकिन यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है इसके आसपास, 2-4 10 पॉइंट ऊपर नीचे, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक निफ्टी में बफर करके चल सकते हैं। 200 से सेलिंग आ सकती है, और फिर जब सेलिंग आएगी तब टारगेट समझ लीजिए, फिर 40,000 का टारगेट मिलेगा, फिर 39,900 का टारगेट मिलेगा आपको, 39,900, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। 39,900 के बाद अगर जाती है तो फिर आपको यही 39,850, बस इससे ज्यादा फिलहाल अभी नहीं है, 850, 39,850, हाँ ये लेवल, ठीक है। अगर यहाँ से हम पुट साइड लेते हैं एंट्री, तो अगर आने लगती है यहाँ से, तो अदरवाइज 40,050 सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो रेंज है 40,050 से लेकर के 40,200, इस 150 पॉइंट्स में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो 150 पॉइंट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल को अवॉइड करेंगे, मतलब नो ट्रेडिंग जोन समझ के अवॉइड कर देंगे। मार्केट अगर 40,200 के ऊपर जाती है तो फिर आप टारगेट ले सकते हैं 40,360 का एंड 40,500 का, देन उसके बाद में फिर 40,850 का भी ले सकते हैं टारगेट, ये टारगेट हो सकते हैं। हालांकि चार्ट को थोड़ा सा नीचे करता हूँ, फिर से मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आपसे। ये 850 के बजाय हम 750 का ले लेते हैं, अगर मार्केट जाती है 40,200 को, नोट कर लीजिएगा। तो पहला टारगेट 40,360 का, फिर 40,500 का एंड फिर 40,750 का, ठीक है, ये टारगेट आप ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ओके, ये इतना नोट कर लीजिएगा आप साइड में अगर जाती है मार्केट तो। बट इस लेवल में जो मैंने बताया एनटीजेड में, एनटीजेड में अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, या अगर करते हैं तो आपको डाउन साइड का जो लेवल दिखेगा, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ 880, जे में पुट करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा चीजें समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कुछ कंडीशंस हैं। देखो 39,800 के 880 के नीचे जाती है तो पुट साइड एंट्री बनेगी, फिर टारगेट होगा कंफर्म पुट साइड एंट्री ये बनेगी, ठीक है, कंफर्म बनेगी पुट साइड, ये कंफर्म होगी एंट्री 39,880 के बाद, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क है और यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क है, बिकॉज मार्केट फिर बुलिश रहेगी अगर अप करेगी तो, अगर नीचे आने लगती है तो। 39,880 के नीचे अगर आती है, मैं इसको रेड मार्क कर लेता हूँ, इसको SL मान लेता हूँ, ठीक है, तब हम पुट साइड में सेफ एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट कहाँ से बूम कर जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं मीन्स मार्केट जो है 40,050 का एक सपोर्ट लेगी, अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, देन उसके बाद में एक स्ट्रांग सपोर्ट 39,880 का लेगी, 880 के नीचे जाएगी तो फिर 39,680 तक के लेवल्स हमें मिल सकते हैं, फिर 39,580 तक के लेवल मिल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहां से बूम कर सकती है ऊपर साइड में, अगर ऊपर साइड में कॉल साइड की पोजीशन यहां से ले सकते हैं 900 के आसपास से, 39,900 के आसपास से, और टारगेट फिर से ये होंगे 40,050 का और 40,200 का, ये टारगेट होगा अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री करते हैं 39,880 के आसपास तो। अदरवाइज इसको ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ से तो पुट साइड की एंट्री बनेगी। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है चीजें आप सभी के समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा या वीडियो को दो बार देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर भारी गैप डाउन हो जाती है या फिर भारी गैप अप हो जाती है तो क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन बाहर है। सभी चीजें यहाँ पे एक ही वीडियो में सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, किसी भी प्रकार से आप ट्रैप ना हो, ये मेरा उद्देश्य रहता है। अगर मार्केट भारी गैप डाउन करा देती है और 39,580 के बाद जाती है तो मार्केट फिर से 39,200 या 300 तक पहुंच जाएगी, मींस ये लेवल आपको दिखेगा, यहाँ पे इस रेंज में फिर से फंसेगी, क्योंकि इस रेंज में काफी यहाँ पे टाइट
टाइम बिताई है निफ्टी बैंक, ओके, और इस रेंज में भी काफी टाइम बिताई है, तो ये दो रेंजेस जो है इंपॉर्टेंट रेंजेस होने वाली हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर भारी गैप अप हो जाती है और मार्केट 40,200 के ऊपर चली जाती है, 40,200 के ऊपर चली जाती है, 5 मिनट 60 मिनट अगर यहाँ पे आप वेट कर लेते हैं 10 मिनट, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा 40,360 का, यही सेम, और उसके बाद में 40,700 का टारगेट मिल सकता है, ओके। तो इस चीज को यहाँ पे समझना है आप सभी को, और फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, अदरवाइज लाइव मार्केट में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।